स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 अगेन आई वेलकम टू फॉर लर्निंग टॉपिक ऑफ हिस्ट्री. दिस इज अ चैप्टर नंबर 8. इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट मैनी ऑफ द पीपल विच आर मैनी ऑफ द रिलीजन्स दे आर फ्लॉरिश्ड इन ओल्ड इंडिया. नाउ वी लर्न अबाउट द कबीर हु हैज अ ग्रेट सेंट. टू द कबीर हु प्रोबेबली लिव्ड इन द 15th-16th सेंचुरी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट. जो कबीर जो थे, कबीर दास जी जिनके नाम से इन्हें जाना जाता है, जो कबीर ये हमारी इंडिया के कौन से सेंचुरी में थे, 15th-16th, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे. पावरफुल मतलब कि बहुत सारे लोगों ने उनकी चीज़ों को माना है. दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल सेंट. He was brought up in a family of Muslim Juhalas and were settled on near the city of Banaras, now Varanasi. We have little reliable information about his life. कि जो कबीर जो थे, उनका जन्म एक मुस्लिम बनकरों की फैमिली में था, जो आज के वाराणसी में सेटल्ड है, बनारस में. वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडिया ऑफ ए वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्स कॉल्ड साखीज एंड पदा सेट टू हैव बीन कम्पोज बाई हिम एंड संग बाय वेंटरिंग भजन सिंगर. सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व बाय द गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी एंड द बीजर. और जो कबीर जो थे, उनके जीवन के बारे में वैसे तो हमें बहुत सारी कम जानकारी मिली है, लेकिन उनकी जितनी भी जानकारी जो विचारों को है, उन्होंने उसे किस फॉर्म में लिखा है, प्रोज के फॉर्म में, पद के रूप में लिखा. और बहुत उन्होंने बहुत सारी कविताओं की रचना की थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचनाएँ की तो कबीर ने थी, परंतु ये जो इनके भजन थे या जो गीत थे, जो मोबाइल पेपर थे, वो लोग गाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह सीख कर. जो इनके लोग थे, जो इनसे इंस्पायर्ड थे, इन्फ्लुएंस थे, इनमें से कुछ जो इनकी भजन है, कुछ जो चीज़ें हैं वो सिखिज़म की गुरु ग्रंथ साहिब जो किताब है उसमें लिखा गया है. पंचवाणी और बीजक के रूप में उन्हें कलेक्ट किया गया है. ओके. कबीर टीचिंग वर बेस्ड ऑन ए कम्प्लीट इंडीड वेमेन. कि जो कबीर की जो शिक्षा थी वो किस पे डिपेंडेंट थी. कबीर की शिक्षा ना धार्मिक जो उपदेश थे उनके, वो धार्मिक परंपराओं की को रिजेक्ट करती थी. मतलब जो हमारी सोसाइटी में जो रिलीजियसली जो बहुत सारे कर्मकांड होते थे, उन सबको वो कम्प्लीटली डिनाई करते थे. रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन. हिज टीचिंग्स ओपनली रिडिक्यूल ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्रह्मनिकल हिंदुज़म एंड इस्लाम. और इनकी जो कहाँ शिक्षा होती थी, उसके अंदर उन्होंने क्या बताया, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम जो इस्लाम था, दोनों ही धर्मों की जो बहुत सारी जो रिचुअल्स थे, उनके बारे में इन्होंने मजाक उड़ाया गया है. और उनकी जो काव्य भाषा थी, और जो अपनी जो भी चीज़ें लिखा करते थे, वो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा करते थे, जो कॉमन लोगों के द्वारा ईजिली अंडरस्टैंड की जा सकती थी. और कभी कभी वो अपनी भाषाओं में अपने पदों को लिखने के लिए कुछ मिस्टीरियस लैंग्वेज का भी यूज़ करते थे, लाइक कोड लैंग्वेज, जिनको लोगों को समझना बहुत ही मुश्किल होते हैं. और जो कबीर थे, वो दे आर बिलीव इन अ सुप्रीम गॉड ऑफ पावर. और उन्होंने हमेशा ये उपदेश दिया था कि भक्ति के माध्यम से ही हमें, कि अगर हम भगवान की भक्ति करें तो हमारी जितनी भी जो चीज़ें हैं, हमारे जीवन की मोक्ष, यानी हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है. हिंदू और तथा जो मुस्लिम थे, इस्लाम धर्म के जो लोग थे, वो सभी लोग इनके फॉलोअर्स थे. द लैंग्वेज इज पोएट्री एज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल. सो कबीर ड्रू हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम. वो पर्टिकुलर किसी एक धर्म की बात नहीं करते थे, वो हिंदू की भी भाषा बोला करते थे, और जो हिंदू धर्म के बारे में भी बात किया करते थे. एंड दे ऑल्सो टॉक अबाउट द इस्लाम रिलीजन. ओके. अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक. आफ्टर द कबीर आई विल टेल यू अबाउट द गुरु नानक साहब, कि गुरु नानक देव कौन थे. सो कबीर की अपेक्षा जो गुरु नानक देव थे, उनके बारे में हमारे इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर हुआ है. वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक देन अबाउट कबीर. बॉर्न इन तलवंडी नानका साहब इन पाकिस्तान. ही ट्रेवल वाइडली बिफोर एस्टैब्लिशिंग अ सेंटर करतारपुरा डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी. रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्टेड ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ओन हाइम्स एंड एस्टैब्लिश्ड हियर फॉर हिज फॉलोअर. जो गुरु नानक साहब थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान के नानकाना साहब तलवंडी, जो कि जो रावी रिवर है उसके किनारे पर हुआ था. और इसके लिए उन्होंने एक डेरे का, एक आश्रम का एक निर्माण किया था, जिसे क्या बोला जाता था, डेरा बाबा नानक. और उन्होंने अपने अनुयायियों को वहीं पर बैठकर, अपने जो फॉलोअर्स थे उनको वहीं पर बैठ के शिक्षा दी. और उसके अलावा इन्होंने अपनी जो भाषा को अपने भजन्स के रूप में गाया. उन्होंने अपनी हाइम्स जो कविताएँ थी या जो भजन थे उन्हें लिखे थे. इरिस्पेक्टिव देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर. और ये किसी भी प्रकार के जो जाति धर्म और इन सबको नहीं मानते थे इन्होंने. और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, कि उन्होंने लोगों में रिलीजियसली ये सब चीज़ों को हटाने के लिए, कि हम जो ऊंच नीच जाति धर्म की बात करते हैं, इसके लिए उन्होंने हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर इन द कॉमन किचन. इसके लिए उन्होंने एक
एक ऐसे कॉमन किचन का निर्माण करवाया जिसे लंगर कहा जाता है, जिसमें सभी जाति धर्म के, चाहे वो छोटी जात से हो या बड़ी जात से, सभी लोग मिलकर वहीं पे साझे रूप में खाना खाते थे। द सेकंड स्पीच दिस क्रिएटेड बाय गुरु नानक वाज नोन एज द धर्मशाल, इट इज़ नाउ नोन एज द गुरुद्वारा। और एक जो आश्रम वो बनाया करते थे जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने उपासना की थी, भगवान की भक्ति की थी, जिसे पहले क्या कहा जाता था, एक जगह जिसे धर्मशाल कहते थे, जिसे कॉमनली नाउ राइट नाउ हम उसे गुरुद्वारा भी कहते हैं, जहाँ पे जो पंजाबी लोग होते हैं, सिखिज्म पीपल होते हैं, वो लोग वहाँ पे जाते हैं, सिख लोग वहाँ पे जाके गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। सो बिफोर इज डेथ इन 1539 गुरु नानक बाबा अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर एज ए सक्सेसर। जो गुरु नानक साहब थे उन्होंने अपने सक्सेसर के रूप में एक व्यक्ति को रखा और उन्होंने एक अपने फॉलोवर को चुना जिसका नाम क्या था, लहना था। लेकिन आज हम इन्हें किस नाम से जानते हैं, गुरु अंगद के नाम से। और उनका महत्व भी बहुत है क्योंकि गुरु नानक साहब के बाद उन्हें ये माना जाता है कि जो गुरु अंगद साहब थे वो गुरु नानक साहब का ही एक रूप थे, दे आर लाइक एज अ गुरु नानक देव। हिज नेम वॉज लहना बट ही कैम टू बी नोन एज अ गुरु अंगद, सिग्निफाइंग दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ। गुरु अंगद कंपाइल द कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक टू विच ही एडिड हिज ओन इन नोन अ न्यू स्क्रिप्ट एज अ गुरु मुखी। और उसके अलावा जो गुरु अंगद थे उन्होंने गुरु नानक साहब की जो वर्स थे, प्रोस थे, उनके साथ साथ अपनी भी कविता और अपने भजनों को लिखा। उसके लिए उन्होंने एक नई भाषा का निर्माण किया जिसे गुरुमुखी कहा जाता है, जिसे हम बोलते हैं पंजाबी भाषा। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी, इसी तरीके से पंजाबी भाषा की जो लिखी, गुरुमुखी। ओके, द थ्री सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रॉट अंडर द नेम ऑफ नानक एंड ऑल दियर कंपोजिशंस वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जुन इन 1604। तो दिस कंपाइलेशन वर एडिड द राइटिंग ऑफ द फिगर लाइक शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर। तो देखिए, जो इसी तरीके से गुरु अंगद के भी तीन सक्सेसर हुए, उन्होंने अपने जो रचनाएं थी वो नानक नाम से लिखी। इन सभी का जो कलेक्शन किसने किया, गुरु अर्जुन ने, इन विच ईयर 1604 में। इस संग्रह में उन्होंने जो शेख फरीद थे, कबीरदास जी थे, नामदेव और तेग बहादुर जैसे की जो रचनाएं थी उनको भी जोड़ा गया। और 1706 में जो तेग बहादुर के पुत्र हुए, जो उनके सक्सेसर थे, उनको गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। तो बाद में इस संग्रह को क्या माना जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में। जो सिख लोग होते हैं, जो सिखिज्म के लोग होते हैं, वो इनके अंदर इन सभी गुरुओं की लिखी हुई रचनाओं को पढ़ते हैं और उनकी बातों को फॉलो करते हैं। ओके, द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोवर इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर द सक्सेसर दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरल्स, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन प्रीडोमिनेटेड। तो देखिए कि ये जो है कि जो 16वीं शताब्दी के टाइम में बाबा गुरु नानक के जो सक्सेसर थे उन्होंने अपनी बहुत सारे फॉलोअर्स को इंक्रीज़ किया और इसमें बहुत सारी जातियों के लोग थे, पर इनमें ट्रेडर्स, फार्मर्स, आर्टिसंस लोग ज़्यादा थे। और उसकी वजह ये थी कि जो गुरु नानक देव थे वो इस बात पर बल देते थे कि जो उनके फॉलोवर्स हों वो कैसे हों, फैमिली मैन हों, और उसके अलावा वो बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हों। और उनसे ये भी एक्सपेक्टेशन की जाती थी कि वे समय समय पर समुदाय, कम्युनिटी के अच्छे विकास के लिए, फॉर द फ्लॉरिश ऑफ द, उसके लिए वो फंड्स भी देंगे, फंड ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फॉलोवर्स। बाय द बिगनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी द टाउन ऑफ रामदासपुर हैज़ डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल्ड हरमंदर साहब गोल्डन टेम्पल। इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस रेफर टू द अर्ली 17th सेंचुरी सिख कम्युनिटी एज अ स्ट्रीट विद इन अ स्ट्रीट। सो देखिए कि 17वीं शताब्दी जो थी तो वहाँ पर एक ना जो इनके जो फॉलोवर्स थे सिखिज़म के और जो गुरु नानक साहब देव के, उन्होंने जैसे आज हम अमृतसर बोलते हैं उसको पहले रामदासपुर शहर कहा जाता था, वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़े एक गुरुद्वारे का निर्माण किया जिसे किस नाम से जाना जाता है, हरमंदर साहब, जिसे आज हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। और द मुगल एम्परर जहांगीर लुक्ड अप अपॉन देम अ पोटेंशियल थ्रेट एंड ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जुन इन 1606। सिख मूवमेंट बिगिंस टू गेट पॉलिटिसाइज्ड इन द 17th सेंचुरी, अ डेवलपमेंट विच कल्यूमिनेटेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा बाय गुरु नानक गोविंद सिंह इन 1699। द कम्युनिटी ऑफ द सिख कॉल्ड द खालसा पन बिकम अ पॉलिटिकल एंटिटी। और उसके अलावा देखिए कि जब ना जो हमें पता है कि जो टाइमिंग था 15th and 16th सेंचुरी का, उस समय हमारे इंडिया में मुगल्स भी बहुत ज़्यादा थे। और जो मुगल्स के जो लोग थे वो किसके अंदर आते थे, जो ये मुगल्स के जो राज्य था, इनके जो लैंड्स थे उसके अंदर जो अमृतसर भी आया करते थे। तो जो मुगल सम्राट जहांगीर थे उन्होंने क्या सोचा कि ये जो सिखिज़म जो कम्युनिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसके लिए उन्होंने गुरु अर्जुन जो थे इनके, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको मारने का आदेश दिया। तो इस वजह से
जो सिखिज़म के जो ये लोग थे, गुरु नानक साहब के जो फॉलोअर्स थे, उनके बीच में एक बहुत ही यूनिवर्ट एक इन्फ्लुएंशली एक बहुत ही फियर्सली एक बात क्रिएट हुई कि हमें अपने धर्म को बचाना है। तो इस वजह से उन्होंने अपने लिए एक नए राजनीतिक एक पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण किया, जिसको किस नाम से जाना जाता है, खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है। और अब हमारे इंडिया के अंदर जो खालसा पंथ है वो एक पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द सिख मूवमेंट। द आइडिया ऑफ बाबा गुरु नानक हैड ह्यूज कम्पैक्ट ऑन दिस डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ही एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वाज इररिलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। His idea of liberation was not that of a state of insects, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment. और उसके अलावा जो 16th सेंचुरी का टाइम था, तो जो पॉलिटिकली जो चेंजेस हुए उसकी वजह से जो सिख लोग थे वह उन्होंने अपने आप को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, और शुरू से वे गुरु नानक बाबा का जो उनकी लेसन्स थे, टीचिंग्स, उन्होंने उसके ऊपर बहुत जोर दिया। और उन्होंने आग्रह किया कि जाति धर्म उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता, लेकिन हमें अपने इसके लिए उन्होंने 3 नए शब्दों का प्रयोग किया। ही एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। उन्होंने बोला कि पूरे संसार में सिर्फ एक ही भगवान है। ही इंसिस्टेड दैट ग्रैटिट्यूड और जेंडर वर इररिलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। हिज आइडिया ऑफ लिबरेशन वॉज नॉट दैट ऑफ अ स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लिस, बट रादर देन द परस्यूट ऑफ। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म्स नाम, दान एंड इंसा फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग। और इन्होंने अपनी टीचिंग को 3 शब्दों का प्रयोग किया। इनका क्या मतलब था? नाम से उनका मतलब था उपासना, कि भगवान की भक्ति करो। ध्यान से मतलब है दूसरों का भला करना। और इंसान मतलब कि हमें अपने अच्छे विचारों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। वी एक्चुअली मीन राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेम्बर एज अ नाम जपना, कीर्त करना एंड वंदन चकना, विच ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। तो जिस किस्म के जो लोग हैं वो किस बात पे बिलीव करते हैं कि हमें हमेशा दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, वी शुड बी हेल्प देम। ओके, दिस बाबा गुरु नानक काइंड ऑफ इक्वलिटी हैज सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। दिस माइट पार्टली एक्सप्लेन द डिफरेंसेज बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ बाबा गुरु नानक एंड द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजियस figures of medieval centuries like Kabir, Ravidas and Dadu, whose ideas were very similar to those of Guru Nanak, Baba Guru Nanak. तो हम देखेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी जो ये साइंस थे, इन सभी ने अपने अपने टीचिंग्स के तरीके बताए, उन्होंने अपने अपनी वेज बताया, लेकिन सभी लोगों का जो पर्टिकुलर एक था वो क्या था कि हमें सबके साथ कैसे रहना है, मिलजुल कर लेकरना है। वी शुड बिलीव हार्मनी विद ईच अदर। उसके अलावा वी शुड ऑलवेज हेल्प टू ईच अदर। वी डू नॉट हार्म एनीबडी लाइक एंड एनी पीपल एंड एनी लिविंग वन। ओके, आई थिंक अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू ऑल।